ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं बीआईपी न्यूज। आज हमारे साथ हैं माही वर्मा जी, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्रिकेट के लिए इन्होंने पूरा दम लगा रखा है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इनके कामों को देखा जा रहा है, उत्तराखंड में क्रिकेट नए रूप में आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीआईपी न्यूज पर। थैंक यू, धन्यवाद। माहिम जी, क्रिकेट क्रिकेट हर बच्चे के रोम रोम में बसता है, रग रग में बसता है। जब राज्य बना तो लोगों ने सोचा उत्तर प्रदेश से अलग राज्य हुआ है, हर चीज में उन्हें कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड में जब क्रिकेट को लेकर के बातें हुई, यहाँ पे बहुत से टैलेंट हैं, हमने देखा कि देश के पटल पर भी उत्तराखंड का नाम रोशन किया, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट को जो मान्यता में इतना समय लग गया, क्या कारण था? यहाँ हम लोग को जो मिला है, लगभग 17 साल के संघर्ष के बाद मिला है। कई एसोसिएशंस थी जी, अब उन लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि किसको वो दें जी। कई बार उन लोगों ने पहल भी करी कि मिल जाओ, हम लोग सब कुछ बैठते थे, बात नहीं बनती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बॉडी बिठा दी, यूसीसी जी, उन्होंने एक साल पीरियड उन्होंने रन किया। उस दौरान भी हमारी कई बार बैठकें हुई विनोद राय जी के साथ। उसके बाद एटलीस्ट जब उन्होंने पूरा काम देखा, उसके बाद उन्होंने हमको अलॉट कर दिया कि मतलब क्रिकेट उत्तराखंड में, क्रिकेट उत्तराखंड दे चलाएगी। 2019 13 अगस्त को अलॉट किया था, 17 वर्षों के बाद, 17 साल के बाद जी। तो उसके बाद जैसे हम लोग रन कर रहे हैं, नई नई बॉडी बनी है, और फिर भी हम लोग को बहुत बेटर चल रहा है। उस दौरान जिसको भी एप्लीकेशन दी गई थी, पूरे देश में आप बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे, और उस दौरान उत्तराखंड का प्रयास रहा होगा, यहाँ के क्रिकेट जो संघ रहे होंगे या जो भी लोग रहे होंगे प्रयास किए होंगे, तो उस समय आपको नहीं लगता था कि उत्तराखंड को तुरंत मान्यता दी जाए बीसीसीआई से, जिससे यहाँ के बच्चों को जगह मिले? नहीं, उत्तराखंड के मान्यता के बाद ही मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था बीसीसीआई का, पहले सेक्रेटरी बना। अच्छा, पहले आप उत्तराखंड उसके सेक्रेटरी थे? जी जी जी, यूसीसीआई में इलेक्शन हुआ, चुने गए जी जी जी। अगेन फिर यहाँ पे थोड़ा सा नहीं संभाला, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा क्रिकेट संभालने के लिए। तो यहाँ पे आप जब से बने हैं, तब से हमने देखा कि क्रिकेट को लेकर के बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि कैसे कहते हैं ना, कि जो बच्चे यहाँ से खेल में क्रिकेट के लिए पलायन कर गए थे, उनके रिवर्स पलायन की भी तैयारी हो रही है, रिवर्स पलायन भी कर रहे हैं, वापस आ भी रहे हैं, यहाँ से खेलना भी चाह रहे हैं, तो इसको किस नज़र से देखा जाए? देखिए, जब हम लोग बॉडी बनी, हम लोग की एसोसिएशन ये फॉर्म हुआ जी, तो कई तरह की समस्याएं थी जी। हमारे जो बच्चे हैं वो अदर स्टेट से खेल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई एफिलिएशन थी नहीं, तो वो एडजनिंग यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ से खेल रहे थे जी जी। अब नेचुरली जब एसोसिएशन मिली, एकदम तो कोई आएगा नहीं, प्रेस रिलीज देखेगा, अपना स्कोप देखेगा, क्योंकि बड़े स्टेट से खेल रहा है, उत्तराखंड से खेलना है जी जी, हो जाता है। उसके लिए फिर हमें अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए, जो सुविधाएं जो खिलाड़ियों में मिलनी चाहिए थी वो देने चालू स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में हिली एरिया में बहुत उतना स्कोप नहीं है, सर्वाइव करना मुश्किल है टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए, तो वो प्रॉब्लम ना आए, तो हमने बच्चों को स्कॉलरशिप देना चालू किया। अच्छा, आज जो बच्चे हैं उनको आप स्कॉलरशिप? जो हाँ, जो बोर्ड मैच खेल रहे हैं जी, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है जी, उनको हमने स्कॉलरशिप देना चालू किया है। एनुअल अवार्ड देते हैं, उसमें भी एक अमाउंट फिक्स रहता है कि इतना आपको मिलेगा स्कॉलरशिप पूरा थ्रू आउट ईयर हो गया। अरे वेरी गुड, अच्छा। तो 2019 में भी दिया हमने, 20 में भी दिया है, और अभी 21 का भी तैयारी चल रही देने की। हम ड्यू टू सम वो टल गया है, बीसीसीआई का ऑफिशियल थिंग, हम चाह रहे हैं कि वो दें। अभी भी पूरे प्रदेश में हमारे समझ से टैलेंट को परखने की जो बातें, जो प्रक्रिया आपके यहाँ चलती है, वो चल रही है? टैलेंट तो बहुत है, देखिए सर, उसके लिए ही सर और आए, क्योंकि जितना क्रिकेट है वो आप देखेंगे, वो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, जोधपुर की तरफ है, प्लेयर्स में हिल्स पे अभी नहीं है, लेकिन वो टाइम लगेगा हिल्स पे चढ़ाने के लिए। हिल्स सबसे बड़ी फैसिलिटी ग्राउंड नहीं होना, ग्राउंड बना देंगे तो ग्राउंड की मेंटेनेंस नहीं होना। अभी आप लोगों का प्रयास था कि 10 शायद स्टेडियम पहाड़ की तरफ बनाने का जी, सरकार का,
तो आप लोगों को भी क्या उसमें इन्वॉल्व किया गया है कि किस तरह के स्टेडियम बनने चाहिए, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? अभी तो नहीं किया गया, अगर वो करेंगे तो फिर हम अपने राय तो दे देंगे कि पहाड़ में कैसे बनना चाहिए। जी जी, देहरादून में अगर देहरादून की बात करें, देहरादून में अगर सुविधाओं की बात करते हैं तो क्रिकेट को लेकर के क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहाँ के ग्राउंड में हैं? बिल्कुल है, बस मैंने कहा थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा उसको। जी, जैसे राजीव गांधी में सारी फैसिलिटी है, राइट, लेकिन जो एक दो कमी है उसको मैंने सरकार का प्रपोजल रखा था कि वो अगर हमको देते हैं तो मेरे को उसका रेगुलेशन बोर्ड डालना पड़ेगा, जो मैंने अदर जो स्टेट में पीजा इंटरेस्ट रहते हुए घूमा था, रहते हुए ग्राउंड्स देखे, उसमें जो बहुत सी फैसिलिटीज थी, मैं चाहता था कि हमारे वो फैसिलिटीज हों। आपके पास बड़ा अच्छा अनुभव है क्योंकि आपने पूरा देश घूमा है, हर स्टेट घूमा है, हर स्टेट के लोगों से मिले हैं, हर स्टेट की एक्टिविटी को जानते हैं, हर ग्राउंड को आपने परखा है, तो उत्तराखंड सरकार उसका फायदा क्यों नहीं ले पा रही है? अगर हम देखें तो जिस तरह से संघ बना, आप बता रहे हैं कि 70 वर्षों के बाद 2019 में बना, 2021 चल रहा है, 21 खत्म होने जा रहा है, अब तक तो आपके अनुभव का पूरा फायदा लेकर के इस स्टेट को पूरा डेवलप कर लेना चाहिए था क्रिकेट के रूप में। नहीं, गवर्नमेंट से बात नहीं होगा अपने जी, लेकिन हम जान रहे हैं वो कोविड आ गया था, वो कोविड सेंटर बन गया। ओहो, यस यस, हां कोविड का भी बहुत। हां, तो क्या ये मान, ये भी क्रिकेट पे भी कोविड की छाया रही13 अगस्त को हमको एप्लीकेशन मिली जी, और पहला मैच मेरे ख्याल से सितंबर लास्ट में ही पड़ गया था हमारा। अच्छा, हमको अलाउट किया गया था विजय जा रहे अंडर 20 पूरा ग्रुप था वो, और होम एंड अवे मैचेस चलते हैं, रणजी ट्रॉफी के मैच यहाँ होस्ट हुए जी जी जी, गर्ल्स के भी हुए, टोटल इन ऑल जो है उस सीजन में 150 मैचेस करवाए थे। अच्छा, 23 का फाइनल भी यहीं खेला गया था। तो 150 मैच कराने के बाद अगर ये देखा जाए कि उत्तराखंड का जो टैलेंट, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि टैलेंट बहुत है यहाँ पे, तो पूरा टैलेंट देश में क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, राष्ट्रीय पटल पे क्यों नहीं आ रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य धारा है या मुख्य खिलाड़ी है उसमें हम क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? कोविड ने आपको पीछे तो खींच ही दिया है। ओके, 2 साल कोविड हुआ तो जो हमारे ऑफ सीजन क्रिकेटिंग होती थी वो तो हो नहीं पाई। जी जी जी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें हमारे से एक है मयंक मिश्रा है, वो काउंटी खेलने में जी। हाँ, यस यस यस, तो मयंक मिश्रा एक काउंटी के बाद फिर वापस क्या आपके एसोसिएशन में? हां, उत्तराखंड से सीजन खेला है, उसके बाद गए हैं उसी लीग में, हमसे गए हैं और वहां भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो उपलब्धि है जी। चार जो हमारे सीनियर बॉयज हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आईपीएल की टीम से जुड़े हुए हैं एज ए नेट बॉलर। अच्छा, दीक्षांशु नेगी शायद कोलकाता से हैं जी, जी। मुंबई से आकाश माधवाल मुंबई से हैं, 2 पंजाब से जुड़े हुए हैं। ओके, रॉयल चैलेंज से कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन 4-5 हमारे जो सीनियर बॉयज हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन 2-3 साल चाहिए आपको नेशनल लेवल पे जाने के लिए। ओके, चले जुड़ जाएंगे, टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे। आपने बस ये भारतवर्ष में अपना पहचान बना रही है उत्तराखंड की, तो क्या उत्तराखंड के जो लड़के हैं और लड़कियां हैं दोनों बराबर मिलकर के क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं और क्रिकेट में सक्सेस हो रहे हैं? क्योंकि टैलेंट किसी एक क्षेत्र में ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियों में टैलेंट है। अच्छा, हाँ ऐसा नहीं, लड़कियों में टैलेंट है। अगर हम अपने यहाँ से लड़कियों की बात करते हैं उतना ठीक है, उतना उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। राइट, इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम प्रोवाइड करें। अभी लास्ट ईयर मैंने लड़कियों का T20 चैलेंजर कराया था। अच्छा, गवर्नर बने चीफ गेस्ट थी जी जी, तो वो बड़ा अप्रिशिएट किया गया। फिर हमने अपने FS काउंसिल में पास कराया कि जैसे एक मेरे फादर कराते थे गोल्ड कप, गोल्ड कप, तो ये लड़कियों का ही मैंने प्लान किया कि भाई ऑल इंडिया इनका भी कराया जाए, पहले 8 स्टेट्स लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर ये कोविड अटैक नहीं करता है, कुछ सब चीजें नॉर्मल रहती है, तो वो अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगा इनका ऑफ सीजन ट्रेनिंग। अच्छा, 8 स्टेट्स बुला के इनका ऑल इंडिया करा के स्टार्ट कर देंगे 1 day 50 overs। तो कोविड के बाद, कोविड से निकलने के बाद आपको कितना समय अभी लगता है? जैसे अगर मान ली सारी चीजें नॉर्मल चलती चली आ रही है, पिछले अगर 2 महीने में हम देखे हैं तो चीजों को पटरी पे लाने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट,
तो अभी कितना समय लग सकता है कि क्रिकेट को वापस आने में? अगर चीजें नॉर्मल है, क्रिकेट तो वापस आ ही गया है। अच्छा, तो पूरी ट्रेनिंग चल रही है, बच्चे आने लगे हैं, ग्राउंड पे आने लगे हैं। मेरे उत्तराखंड जी, अभी इंडिया में आपका मेरे सबसे पहला स्टेट होगा जिसने अपने ट्रायल्स पहले चालू कर दिए। ऑलमोस्ट आपकी सारी टीमें तैयार हैं। अच्छा, अभी हमारा सीनियर गर्ल्स का कैंप खत्म हुआ है कल। ओके, उनका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, फिर लिमिटेड लड़कियां ली गई। जी जी जी, कैंप लगे तो वो खत्म है। फिटनेस कैंप था, प्लस स्किल कैंप था, वो खत्म हुआ। 19 बॉयज का कैंप स्टार्ट हो गया है जो आयुष क्रिकेट अकेडमी है। 19 गर्ल्स का 24 से स्टार्ट होगा तनुष क्रिकेट अकेडमी में। राइट, रणजी ट्रॉफी का तनुष में ही कैंप चल रहा है, फिटनेस कैंप चल रहा है, स्किल कैंप चल रहा है। ओके, ये स्टार्ट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी के ट्रायल्स अलग चल रहे हैं जो नए लड़के, तो हमने जो कैंप लगाया, जो लड़के लास्ट ईयर खेले थे, जो परफॉर्मर्स थे, उनको लेकर लगाया गया है। राइट, उससे पहले हमने जुलाई में बुलाया था शुतांशु कोटक को, जो बहुत बड़े कोच हैं एनसीए के। वो सिलेक्टेड प्लेयर्स थे जो उनको टेक्निक्स बताएंगे, बताया और काफी अच्छा देखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैलेंट है। जो रिपोर्ट सबमिट की है जी जी, सपोर्ट स्टाफ से लेके और प्लेयर्स की जी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे टैलेंट बहुत अच्छा है। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। हमारे साथ माही वर्मा जी बने हुए हैं, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव हैं, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, क्रिकेट को बड़ी नज़दीक से समझते हैं। अगर कहा जाए तो क्रिकेट पुश्तैनी इनको मिली हुई है। अभी तक इनसे हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में क्रिकेट को लेकर के, अब इनसे बात करेंगे इनके खुद के क्रिकेट को लेकर के। मैंने जैसा पढ़ा है और मैंने कई बार देखा है कि क्रिकेट आपको पुश्तैनी मिला हुआ है, फादर भी मतलब बहुत ज़्यादा क्रिकेट से लगाव रहा है उनका, फादर ने आपको क्रिकेट के लिए तैयार भी किया, तो ये क्या, ये की चीज़ें होती है, खेल भी क्या हमको परिवार से मिल सकता है, मिलता है? आगे तो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर परिवार में क्रिकेट खेल रहा है उसका बेटा ही कोई फॉलोअर अडॉप्ट करे ना करे जी, लेकिन मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था कि मुझे इसमें आना है जी। पापा करते थे, पहले वो खेलते थे, फिर उन्होंने गोल्ड कप पैलेस में हेल्प करता था जी, जो फाइनेंशियल जो भी लाना है जिस तरह से हेल्प करता था, लेकिन नॉट जाता नहीं था। अच्छा, तो अचानक ही हुआ कि दो मिलने से 3-4 साल एक्टिव हुए, एज होगी तो टाइम टाइम भी बड़ा था जी, तब मैं एक्टिव हुआ था। उससे पहले कराता तो चलो ठीक है, मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट साइज ऑफ प्राइम में अपना उत्तराखंड टेक्नोलॉजी में काम करता था, वहीं काम करता था। फोन पे जो 2 साल से बोलता था भाई ऐसे से करो, ऐसे से करो, फिक्सर बना के दे दे मेल पे, तो ऐसे करते करते मैं आगे नहीं, मेरा अपना माइंड सेट तो नहीं था कि मैं इसमें आऊँगा। उत्तराखंड के आप पहले शख्स थे जो बीसीसीआई स्तर पर गए, तो इसमें पिता के रोल को आप कहाँ मानते हैं? अभी ये बोले जो एसोसिएशन के जो फाउंडर मेंबर्स थे, पापा थे, भाजी थे और गिर सिंह जी थे जी जी, तो इनका सबसे बड़ा रोल रहा जी जी, इन लोगों की मेहनत थी जो आज ये हम यहाँ पहुँचे हैं। राइट राइट, उसी चीज़ को मैं आगे लेके गया हूँ, क्योंकि नेचुरली जो इन लोगों ने किया है, इनका नाम है, तो उसी नाम को मैं आगे ही बढ़ा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही कि नया जो एस्टेब्लिश में टाइम लगेगा, 2-3 साल में बहुत हो जाएगा। अभी भी पिताजी से कुछ ट्रेनिंग मिलती रहती है? हाँ, पूछता क्यों नहीं मैं। अच्छा, अगर कहीं फंस जाता हूँ मैं जरूर पूछूंगा, पिताजी हो गया देखभाल अंकल हैं, पूछता जरूर अगर कहीं हो गया कुछ नहीं समझ में आया मेरे जी जी, या कैसे बेटर करना है और क्या हो सकता है, कि मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन दोनों के पास है जी। तो अभी लर्निंग फेज में ही हूँ। सही बात, बीसीसीआई पे कभी कभी देखने को मिलता है कि राजनीतिक छाया होती है या राजनीतिक रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन CAU जो क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड है, इसे किस नज़र से देखा जाए? क्योंकि कई तरह की बातें निकल के आती हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, कितना फ्रीडम है, कितना खुल करके आप काम कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन में किसी का क्या प्रभाव होता है, बच्चों के टैलेंट को प्राथमिकता दी जाती है कि कभी कभी दबाव एकदम खुल के बताएगा, क्योंकि पहाड़ के लोगों को ये जानना जरूरी है कि यहाँ की अगर भौगोलिक स्थिति अलग है तो यहाँ काम करने का क्या मजा है। देखिए ये बात है, प्रेशर तो नहीं है। अच्छा, फ्री है, आप रहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जी, तो सिलेक्शन में जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि सिलेक्टर आपके कौन कौन होंगे। हाँ, तो हमारे जो
उसके जो क्राइटेरिया है वो टफ है। अच्छा, कि वो इतने फर्स्ट क्लास मैच खेला और ये 25 जो खेला हुआ तो खाली तो बैठा नहीं होगा। सही बात, सही बात। तो अगर आप देखें सीनियर में जो चेयरमैन है वो है रिजवान शमशाद, एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, अपने टाइम में इंडिया ए तक चले गए थे खेलने। ऐसे जूनियर में आशीष विश्वनाथ हैं जी, जी भी बड़ा नाम है, अपने टाइम में बहुत बड़ा, क्योंकि 150-150 मैच खेले दोनों। अच्छा, सीनियर मोड में बिंदेश्वरी गोयल है जो इंडिया खेल चुकी है, उसके खिलाफ से चार से तीन तो इंडिया खेल चुकी है। अच्छा, तो सिलेक्शन हो रहे थे निष्पक्ष रहता है, इवन मैं भी इंटरफेयर नहीं करता, मैं जाता ही नहीं जहाँ पे होता है। सिलेक्शन में क्या प्रोसेस है, जैसा हम लोग सुनते हैं कि कोविड ने बहुत करा, नहीं प्रोसेस क्या होता है सर, मतलब जिले लेवल से फिर कमिश्नरी पे, फिर कैसे कैसे? डिस्ट्रिक्ट से हम अपने प्लेयर्स मानते हैं, ओके, गढ़वाल और कुमाऊं जो दो है, हाँ, सेंट्रलाइज करने में, फिर ये होता है बच्चे अब कुमाऊं से यहाँ आ रहा है, राइट, उसके लिए प्रॉब्लम है, हाँ, तो कुमाऊं में फैसिलिटी अवेलेबल है, मैंने आपको बताया हाईलैंड भी और मलकानी ग्राउंड है और एक और ग्राउंड है वहाँ पे, तो हम लोग वहीं पर कुमाऊं का वहीं से ट्रायल करवाते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट से, काशीपुर से। तो सिलेक्शन कमेटी में हमारे 5-5 मेंबर हैं, 2 उधर भेज दिए, 3 यहाँ रख लिए। अच्छा, तो वहाँ से वो बच्चा सिलेक्ट करते हैं, नंबर उड़ के रहते हैं कितने को लेना है, मिनिमम लेके आते हैं, टैलेंट वही लेके आते हैं, और गढ़वाल का जो प्रोसेस है वो जनरल होता है, तो फिर क्लब करते हैं और उसके बाद स्टेट लेवल ट्रायल कॉल कराते हैं, फिर ये जो भी बच्चे निकालेंगे जी उसका कैंप कराएंगे, कैंप के दौरान ही वो 3 या 4 प्रैक्टिस मैच करा देंगे, वहाँ से वो लड़के मिनिमाइज कर देंगे 20-25 जो है। अच्छा, जो टैलेंट वो आके वो फर्दर जो आगे जो कैंप चलेंगे जो मैचेस चलेंगे वहाँ जाएंगे खेलने। यहाँ पे प्राइवेट ग्राउंड बहुत से हैं, हाँ, और प्राइवेट ग्राउंड में क्या हुआ सारी फैसिलिटीज हैं जो नेशनल लेवल की होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज हैं, आप स्टेडियम की बात छोड़ते हैं लेकिन अकेडमी की बात करते हैं, हाँ, वो सारी फैसिलिटी सबके पास है, ग्राउंड है, इंडोर है, ओके, आपका अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए महाराणा प्रताप जो स्टेडियम है उस पर आप लोगों ने एक दो मैच हुआ भी, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, इस तरह के मैच हुए, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसको लेकर के कभी आप लोगों को लगा कि यहाँ पे बड़े मैच कराने के लिए कोई व्यवस्था सुधार की जरूरत है? बड़े मैच के लिए एक तो बॉटल लेक तो है, आपको रायपुर वाली एरिया बॉटल लेक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे बड़ा मैच हो गया इंडिया पाकिस्तान या इंडिया हाँ, कोई मैच हो गया, अफगानिस्तान वाले मैच में ही भीड़ चल पा रही थी, राइट राइट राइट, एक तो वो है ही रोड का, तो उसका कुछ प्रस्ताव आप लोगों ने, नहीं जब हमको देंगे स्टेडियम तभी तो कुछ वे आउट निकालेंगे उसका, right, 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 उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैच के लिए एक होटल फैसिलिटी 5-star होटल में बहुत जरूरी है जी, इंटरनेशनल, हाँ, जो बाहर से, हाँ, राइट, वो अभी बता रहा हूँ मैं, जो बोर्ड मैचेस में भी से उनसे पूछा गया कि आपके कोई होटल ऐसे हैं जिसमें 100 rooms अवेलेबल हो, तो हमारे है ही नहीं है कैसे, फिर मैंने 100 तो नहीं है 50-60 हो जाएंगे, ओके, तो उस हिसाब से वो प्लान करके तो उनको मैच अलॉट करेंगे अभी, तो दो इशू तो हैं, रोड का है, दूसरा 5-star होटल, एकोमोडेट करना हो तो कैसे कहाँ पे कराए जाएंगे? आप जब BCCI में थे तो उत्तराखंड के जो बच्चे दूसरे स्टेट से खेलने खेल के वहाँ पे आते थे या सिलेक्शन के लिए आते थे, तो जब आप उनको देखते थे और आज जब खुद यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या कोई अंतर लगता है आपको? क्योंकि तब तो दूर से देखने को मिलता था बच्चा आ गया, आज तो आप नज़दीक से हर बच्चे को देख रहे हैं। देखिए मैं बताया ना, इनके लिए ही हमारे स्टेशन इनके लिए ही काम कर रही है, बच्चों के लिए जी जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 19 की हमारी बॉयज़ की टीम है, राइट, अब अभी चल रहा है शॉर्ट लिस्टिंग कर देंगे 20-25 जो फिगर लेंगे, उन बच्चों का मैं भेजूंगा कर्नाटका, अच्छा, बैंगलोर, फिर उनकी 19 टीम के साथ मैच खेलेगा, हमारे कैंप चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम आपस में एक दूसरे खेलते हैं। अंडर 16 का भी चल रहा है? अंडर 16 का अभी चल रहा है, इनका बोन टेस्ट वगैरह होने। अच्छा, क्या प्रोसेस क्या है, जैसे अभी आपने बोन टेस्ट का नाम लिया, तो क्रिकेट में क्या फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेते हैं उसके लिए एज वेरिफिकेशन निकालते हैं उससे। अच्छा, तो आप सर्टिफिकेट पे नहीं बिलीव करते? नहीं सर, 16 में नहीं है वो, वीजा के नाम से कि आपको बोर्ड टेस्ट करना है, वो भी होता है किस एंगल से कराना है क्या है,
तो वो भेजते हैं आपको, फिर उसी के हिसाब से उनको एक्सरे कराते हैं। अच्छा, जो ओवर एज उसमें निकल गया बाहर हो गया, भले वो सर्टिफिकेट के अंदर एज भेज लेंगे, बोन टेस्ट वगैरह वो ओवर एज है जी जी जी, तो वो भी बाहर है। अभी जो आपकी स्क्रीनिंग चल रही है, तो हमने देखा कि यहाँ पे चार ऐसे जगह है जैसे देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, तो चार जगह हर चीज़ में इस प्लेन के लोग आगे रहते हैं। तो जो मैदानी इलाके हैं, नौ मैदानी इलाके हैं वहाँ, नौ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से बच्चों का क्या रिस्पांस है, और जो बच्चे वहाँ के आते हैं उनमें इनमें क्या अंतर देखा आपने? देखिए यहाँ पे जो लड़का है चार पे डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है जी, तो फैसिलिटी सारी इसमें है। टर्फ फील्ड की बात करते हैं के पास है, कॉम्पिटिशन यहाँ टफ है, पहाड़ में टफ नहीं है। सही बात, तो पहाड़ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं जी, इनको वहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी कि वहाँ पे क्रिकेट टफ हो, जबकि तभी टैलेंट निकल के आएगा। ऐसा नहीं है पहाड़ में लड़के अच्छे हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल हाई होती होगा उनका, जिस तरह से काम किया, बॉडी फिटनेस हाई होता होगा, बॉडी फिटनेस बहुत अच्छा, वो लड़कियों चाहे लड़कियों में तो दोनों के जी 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 इतना जरूर नहीं देख रहे, कभी कभी चले जाते देख ही लेता हूँ। तो मतलब ये है कि हमें पहाड़ की तरफ क्रिकेट को पहुँचाना होगा। हाँ, वही मैंने कहा, वो एक टाइम टेकिंग है कि अभी तो मिली है आपको, अभी तो हम सब इतना बेसिक फैसिलिटीज जुटा रहे हैं। तो क्या आप लोगों के प्लान चार्ट में ऐसा है कि क्रिकेट को किस तरफ से अभी देखिए चमोली उत्तरकाशी मतलब जी, अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैं कोशिश में हूँ, मुझको भी एजी होने वाले से बहुत रखूँगी, हम जब तक हमारे पास ग्राउंड नहीं है तो एक टेम्प्रेरी अकेडमी रन करें। अच्छा, तो इसमें जो सिलेक्टर्स ने अदर देन बोर्ड प्लेयर जो सिलेक्ट हो रखे हैं, जो भी प्लेयर जिनको लगता है टैलेंट प्लेयर है उनसे रिकमेंडेड होगा जी, जी पहाड़ का हो या यहाँ का हो, राइट, उसको वहाँ पे ग्रूम किया जाएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे बना रहे हैं जो हम कोचेस हायर कर रहे हैं जी, आफ्टर सीजन आप यहाँ पे सर्व करेंगे। ओके, जैसे सीजन कॉल ऑफ हो गया तो ये नहीं कि आप चले गए, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि आप यहाँ पे एक एक महीना देंगे, राइट राइट राइट, क्योंकि मेरे चार कोचेस हो गए, चार महीने तो हो ही गए, सही बात, फिर दोबारा सीजन चालू हो जाता है, तो उन जो चार महीने अप्रैल टू जुलाई जुलाई तक, हाँ, इसमें इन्हीं प्लेयर्स को जैसे मैंने कोटक को बुलाया था, दोबारा ऐसी कई कोचेस हैं मेरे दिमाग में, जैसे विकेट की भी कोच हो गया, फास्ट बॉलिंग में बॉलर्स कोच हो गए, बुला के इनको ग्रूम किया जाए। ओके, पहाड़ में लड़का क्रिकेट तो जानता है लेकिन ना एक जो डायरेक्शन वो वही लोग बता पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे जो आपने ग्राउंड देखे हैं उस ग्राउंड से हम जैसे तो हम लोग देखते हैं कि बैट्समैन होने चाहिए, बॉलर्स होने चाहिए, मुख्य रूप से ऑलराउंडर तो भाई होता ही, तो बैट्समैन की पिच अच्छी है या कि बॉलिंग की अच्छी है? हर ग्राउंड में अपनी, अच्छा हाँ भाई, जैसे आप कहें एसी है वो बैटिंग सपोर्ट है, अभिमन्यु है वो बॉलर सपोर्ट से, तो डेवलप की जाती है ना, अगर आपका मैच है मेरा मैच है तो होता है अपने अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंगली अपने डेवलप करता है पिच। और जो आप ट्रेंड करते हैं तो जैसे जो बैट्समैन की पिच है वहाँ पे बैट्समैन को भेजते हैं, कैसे करते हैं? कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक ही ग्राउंड में आप सारे बच्चों को ट्रेन कराते हैं, कोच होता है वो उसकी तरह से करता है, बाकी बेसिकली आपको तो स्किल बतानी ना, लड़कों को तो पता है। ओके, हमको सिर्फ एक डायरेक्शन देना है, बॉल देखना है, लेकिन कहाँ करना है वो उसको बताएगा। जैसे अभी कोटक चाहे वो बता के गए, अच्छे रिपोर्टर लिख के गए किस बच्चे को कहाँ पे वर्क करना है, कहाँ सुधार लाना है, वो सब बता के गए हैं, तो बच्चों से ही वर्क करता है, फिर उससे वो रिव्यू भी लेते हैं। अच्छा, आपने क्या किया है? ओके, मतलब ये उम्मीद किया जाए कि आपके नेतृत्व में पहाड़ तक क्रिकेट पहुँचेगा, कोशिश जरूर मेरे आपको बोला कि टाइम देखेंगे। मैम जी, आप क्रिकेट में थे, क्रिकेट के पहले जैसा हमने पढ़ा है कि आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे, क्या दिमाग में आया कि जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट की जॉब थी अच्छी खासी चल रही थी, क्रिकेट में सेवा देना है? यूनिवर्सिटी में रहकर मैंने क्रिकेट ही पढ़ा था, वहाँ पर क्रिकेट ही स्पोर्ट्स ही पढ़ा था जी। वहाँ पर अगर आपने सुनोगे जो वाइस चांसलर प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान, हाँ चौहान साहब, उन्होंने मुझे बुलाया जी, क्योंकि हमारे वर्ल्ड कप में उनको ऐसे दिखाने लगे तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि यूनिवर्सिटी का नाम होता है, हाँ। माना क्रिकेट ही हो सकता है, खेल हो सकता है, नॉट क्रिकेट में स्पोर्ट्स हो सकता है, हाँ। नाम हो सकता है। तो पहला मैंने यहाँ पे होस्ट किया था इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस, अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता था, तो प्रिंस विक्रम थे, चेतन भाई साहब थे जो गुरु जी हैं जी जी, उनकी हेल्प ली, उनकी वाइफ भी थी, तो वो बहुत अप्रिशिएट किया गया कि हमने फैसिलिटी पूरी दी थी जो खिलाड़ी को होती। ओके, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नॉर्थ जोन क्रिकेट होस्ट किया, पूरे नॉर्थ जोन के करीब 40 यूनिवर्सिटीज खेलने आए थे, सारी जो फैसिलिटी हम यहाँ बोर्ड में थे वही फैसिलिटी को भी दी गई थी।
6 रनों पे ऑल इंडिया क्रिकेट यूनिवर्सिटी फ्रंटन बारी मतलब अच्छा तो यूनिवर्सिटी भी लगभग स्पोर्ट्स में अवेलेबल है। हमने अपनी टीम हर डिफरेंस स्टेट से भेजी थी खेलने के लिए। यहाँ पे लिखा तो आगे मेरा ये प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि आपने जब यूनिवर्सिटी में थे तो आपने कई खेलों को नज़दीक से देखा और आज केवल एक खेल पे क्रिकेट पे आपका फोकस है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्रिकेट के साथ साथ किस खेल में यहाँ पे टैलेंट है? हर टैलेंट है। आप देखिए बैडमिंटन में अपने से लक्ष्य है और कुमार जी इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है और वंदना कटारिया हॉकी में मेडल लेके आई है। ऐसे मुझे नाम तो याद नहीं है लेकिन माउंटेनियर्स भी हैं अभी रिसेंट जी जी जी। तो लगभग टैलेंट सभी में है। अंतिम प्रश्न, यहाँ के जो बच्चे जो अपना क्रिकेट में भविष्य बनाना चाहते हैं, जो अभी स्कूल में है, जो सोचते हैं कि हमें क्रिकेट में भविष्य बनाना है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका बहुत बड़ा अनुभव है, अगर अभी वो बचपन से ही जब 10th में है 9th में है तब से वो अगर सोचना शुरू करें 8th में है सोचना करें शुरू करें तो हो सकता है कि जब उनको प्लेयर बनना हो आपके पास आना हो तब तक आधे तैयार हो जाए। तो कुछ चाहेंगे हम कि कुछ यहाँ के जो पहाड़ के बच्चे हैं उनके लिए कुछ तैयारी के हिसाब से? अब स्कूल का तो ये कि स्कूली क्रिकेट चालू कर रहे हैं लेकिन मूल मंत्र कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क एक मूल मंत्र है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, आप देखते होंगे चाहे फिटनेस लेवल देखें चाहे विराट कोहली का देखें किसी का भी देखें हार्ड वर्क है। ये थे माहिम वर्मा जी, BCCI के उपाध्यक्ष रहे, उत्तराखंड में क्रिकेट को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं और जैसा इनकी बातों से लगता है कि आने वाले समय में ये क्रिकेट को पहाड़ पे ले जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय पहाड़ वालों के लिए, पहाड़ियों के लिए क्रिकेट अच्छा साबित होगा और क्रिकेट पहाड़ तक पहुंचेगा। धन्यवाद, देखते रहिए बीएपी न्यूज़। ये है JMD न्यूज़ एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं ITV हिंदुस्तान।